क्या हाल चाल दोस्तों, ये है सैमसंग का नया M34। M का मतलब मॉन्स्टर, ऐसा सैमसंग बोलते हैं। असली में क्या अंदर जानवर है, एक जानवर ही चेक कर सकता है। बट बेसिकली मैं सीन बताता हूँ, सैमसंग ये सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज है। ये वाली सीरीज 4 करोड़ 20 लाख इंडियंस यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग यूज करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फोन अच्छा होगा, ये फोन टेस्ट करके पता चलेगा अच्छा होगा। क्योंकि इस वाली सीरीज में कुछ कुछ फोन अच्छे भी निकले, कुछ कुछ बेकार भी। बट इस वाली सीरीज में सीन ये रहता है कि पूरा ही डिजिटल जेन जी क्या होगा जेन जी तो मैं हूँ ना, अभी तो मैं जवान हूँ यार। नहीं भाई, M34 5G खोल देंगे। ये उल्टा क्यों रखा है मैं बताता हूँ क्यों रखा है, क्योंकि हम पहले से खोल रखा हमने। बट मैं अगर सीधा सीधा बताऊँ तो इसके अंदर 2 पुस्तक और 1 केबल और 1 बीच में केबल का कवर। केबल अच्छे लग रहे, स्लिम ट्रिम, एकदम पता नहीं एस्थेटिक सी लग रही। ओह, ये एक चीज भूल गया, इससे आप स्विच उबार सकते हो, गुब्बारे फोड़ सकते हो, टूथपिक मत यूज करना प्लीज। बट इसका मेन काम जो, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। भाई फोन तगड़ा रहा है। M सीरीज का काफी चेंज कर दिया डिजाइन। वैसे ही बताऊं, M सीरीज के काफी सारे स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर से रहते हैं, एकदम साइड में से कोने में चिपक के ऐसे लगा होता है 4 कैमरे वाला सेटअप। इस बार बदल दिया तो मेरे को बहुत अलग सा लगा एकदम देखे। ओ, M सीरीज, वो बेसिकली सैमसंग की जो S सीरीज है और जो A सीरीज है, थोड़ा मेरे को ज्यादा A सीरीज वाली फील दे रहा है। तो पीछे से मुड़ के पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक, बट यहाँ पे पीछे अलग प्लास्टिक, साइड में अलग प्लास्टिक। इसको सैमसंग बुला रहा है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, जो भी आपका कहने का मन करे। और ये हाथ में पकड़ने में डेफिनेटली काफी स्टर्डी भी लग रहा है, काफी प्रीमियम भी लग रहा है। बट मैं जैसी उंगली अगर मैं रख दूं तो थोड़े से एक तो भाई इसमें वही दिक्कत है कि अगर मैं हल्का सा भी कुछ करूँ ना, ये तो फिंगरप्रिंट काफी आते हैं, इस पर भी आपको दिख रहा हो। तो हमको भी पोछने के लिए कपड़ा रखना पड़ता है। यूजुअली मैं ऐसे करके पोछ रहा हूँ, बट नहीं, ऑफकोर्स भाई हमको टेस्टिंग करनी थी इसकी। डाल के SIM 2 SIM 1 और डालो, बढ़िया चलाओ। माइक्रो SD नहीं दिया भाई मेरे हिसाब से। मैं सही से बताऊं, गूगल ड्राइव या कहीं पे स्टोर कर लो, माइक्रो SD में ना दिक्कत रहती है, वो ना स्लो कर देता है। आप गेम में इंस्टॉल करो ना उसमें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बट अगर होता तो नुकसान क्या था। इसका डिजाइन ना काफी पॉलिश सा लग रहा है, वैसे काफी शाइनी, थोड़े से फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं, बट मेरे को तब भी ना दिखने में काफी प्यारा लग रहा है। एक पूरा ही एक ब्लैक नेवी ब्लू पूरी वाइब है, और हाथ में पकड़ने में थोड़ा स्टर्डी सा लग रहा है कि मतलब ऐसे मैं ये ठोक सकता हूँ, थोड़े से निशान आ जाएंगे, बट सर भी इसको दिक्कत है। 3.5 mm USB-C स्पीकर, पावर बटन में उंगली लगा खोल सकते हो, वॉल्यूम बटन ऊपर की साइड पे 1 6, सही है, सारी चीजें कवर कर ली है। वो भाई ऑन भी कर लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी सिक्योर्ड का नोट। वो सोफा लगा, नहीं सोफा नहीं, मेरे को लगा भाई हमारा सोफा पकड़ लिया। AI के बाद तो मेरे को भाई कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मैं भी नकली हूँ अभी जो वीडियो ना। क्या पता आपको, तो मैं सीधी बात बताऊँ, मैंने इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे फोन ट्राई कर रखे हैं। काफी में होता गया कि इस प्राइस पॉइंट में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती थी, सब कुछ अच्छा नहीं मिलता। आज से 1-2 साल पहले तक ग्लास ग्लास आते थे, बट अब सबको पता ही है परफॉर्मेंस और सारी चीजों पे ज्यादा विश्वास है, तो इसलिए भाई एक परफॉर्मेंस और डिस्प्ले पे सारी चीजें बढ़िया देनी पड़ती, और लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं छोटी छोटी चीजें भी। भाई 5G 5G सब आना चाहिए। इस वाले स्मार्टफोन में भी क्या अच्छा है क्या बुरा है सारी चीजें मैं आपको चेक करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो मेरे को प्यारी लगी वो है इसका डिस्प्ले। यूजुअली मैंने भाई सैमसंग के काफी सारे स्मार्टफोन ट्राई करके, और उसमें एक चीज अच्छी होती है कि डिस्प्ले ना थोड़ा ब्राइट कॉन्ट्रास्टी ऐसा वाइब्रेंट सा होता है ना, तो आपकी आंख खींच लेता थोड़ा सा, क्योंकि कुछ अलग सा दिखता है। मैं जैसे टेस्ट करता रहता हूँ तो इसमें होता है कि ऑफलाइन में भी काफी सैमसंग के फोन इसीलिए बिकते होंगे मेरे हिसाब से, भाई डिस्प्ले चमकता है, बट ऑनलाइन के हिसाब से भी अच्छा है डिस्प्ले। आप जैसे वीडियो भी चल रही है, यहाँ पे घास फूस है, थोड़े जानवर आनवर है, जानवर की खाल देखो भाई, जो चमड़ी की डिटेल्स है ना इसमें ही तो अलग मजा आता है, इसमें असली सच निकल आता डिस्प्ले। बट है भाई ये 6.5 इंच का सुपर एमोलेड 120Hz वाला डिस्प्ले है भाई, फील है डिस्प्ले डेफिनेटली टॉप क्लास है, मतलब किसी फ्लैगशिप के सामने भी रखोगे ना उसको भी कर देगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने टेस्टिंग करी थी भाई गिरा गिरा के, मैंने ऐसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास गिरा के, तो आप बोल रहे थे भाई वीडियो में भी गिरा के देखो। यूजुअली मेरे को ऐसे दर्द होता है थोड़ा सा, मैं सही बताता हूँ। और मैंने आपसे पूछा भी था, हमने एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर आप लोगों से कमेंट भी पूछते रहे, आप लोगों ने बोला भाई ड्रॉप टेस्टिंग, भाई मेरा दिल टूट जाता है। अच्छा है, 2 दिन भी खींच सकती है अगर आप थोड़ा सा मीडियम यूज करते हो तो 2 दिन चलेगी, नहीं तो भाई 1.5 दिन तो चलेगी। और हमारी भी 98% हुई है जितनी देर से हम रिव्यू बना रहे हैं। बैटरी के साथ एक दिक्कत है कि 25W का चार्जर आ रहा है, 25W सपोर्ट करता है, आज तो चार्जर तो बिल्कुल नहीं आ रहा, बट 25W का चार्जर ऐसे कि आपको चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, चलेगा तो बैटरी आपको चार्ज करने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम। उई भाई वो ये देखो क्या है भाई, AI वाला बना हुआ है लग रहा पार्लियामेंट, भाई सब कुछ AI है यार, अब तो सब कुछ नकली हो गया है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं ना अपनी मैं स्क्रॉल करता था इंस्टाग्राम पे, मेरी वीडियो दिख गई, मैं कुछ बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम की 3 खुफिया वेबसाइट मैं ये तो मैं नहीं हूँ, फिर पता चला ये तो नकली है भाई, तो
बच के रहना। मैं बस शेयर कर रहा था इस वीडियो में, AI की बात आ गई, बट ठीक है। डिस्प्ले सारी चीजें हैं, बेजल्स लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपरी साइड पे भी नॉच वाला डिस्प्ले है, नीचे की साइड पे थोड़े से हैं, बट लाइक ओवरऑल बेजल्स और जो फील है डिस्प्ले की, भाई फ्लैगशिप को टक्कर। सैमसंग ने इसके अंदर एंड्रॉइड 13 दे रखा है। बेसिकली सैमसंग के फोन में वन UI आता है, इसमें 5.1 है। वन UI की खास बात यह है कि इसमें हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स नहीं है। एक दो एप्लीकेशन जो पहले से इंस्टॉल्ड आती है अमेजोन डेली एंड फोन पे, आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, बट काफी हद तक भाई फोन पे उन पे तो काम आई जाती है ज्यादातर लोगों। इसमें एक बैटरी वाला विजेट भी, आप अपने अलग अलग कनेक्टेड डिवाइस की बैटरी देख सकते हो। ओवरऑल काफी स्मूथ यू है और काफी काम के फीचर ऐड करे। सैमसंग वॉलेट भी है, पेमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार ID सारी चीजें आप सिक्योर रख सकते हो, बायोमेट्रिक आपसे खुल जाता है। और इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, मोस्टली फ्लैगशिप में आते हैं। कैमरे की अगर मैं बात करूं तो एक इसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा है और इसमें OIS है। 20,000 के नीचे OIS नहीं मिलती भाई ये बहुत कम स्मार्टफोन के अंदर। फोटो खींच के देखेंगे तब और अच्छे से पता चलेगा। 8 MP अल्ट्रा वाइड है, 2 MP मैक्रो और फ्रंट में 32 MP की सेल्फी। एक बेसिक चीज मैं नोटिस करी, मैं भाई मतलब खाली सॉफ्टवेयर के एंड से भी देखूं तो जो कैमरे का सॉफ्टवेयर है वो काफी रिफाइंड सा है। बस बेसिक चीजें, यहाँ पे लेफ्ट से स्वाइप करो फन आ जाता है, राइट से स्वाइप करो मोर आ जाता है, काफी छोटी छोटी चीजें। भाई फोटो खींच के देख लें यार, सेल्फी लेंगे सबसे पहले यार, क्योंकि दैट्स माय स्टाइल। मेरी आंख के अंदर आप कैमरा देख सकते हो, देखो कैमरे की रिफ्लेक्शन, डिटेल अच्छी आई है भाई सेल्फी में भी, 32 MP में भाई बाल देखो करारे से लग रहे हैं थोड़े से। फोटो की क्वालिटी सेल्फी की अच्छी है भाई, देख लिया फोटो खींच ली छुपके, मैंने पता भी नहीं चला मेरी छुपके फोटो खींची, देखो ड्रैगन बॉल देख। यहाँ पे हम फोटो लेंगे ब्राइट्स होगी, जहाँ पे हम लोगों को क्रिएटर्स बना रहे हैं। वाइड वाले में डिटेल एवरेज है, देखो पूरा फेस ब्लरी ब्लरी सा हो रहा है, और जो 1X है उसमें आपको डिटेल डिसेंट मिल जा रही है, और जो कलर्स बना रहे थे वो काफी अच्छे लगे, बैलेंस अच्छा कर रखा है इमेज को। और वाइड से अगर आप शिफ्ट हो गए 1X वाले में भी तो ज्यादा शिफ्ट नहीं हो रहे कलर्स। और हमने और भी खींची भाई सेल्फीज बैक साइड वाले से भी, प्यारी प्यारी आ रही है थोड़ा। वेंकी भाई आपकी पोर्ट्रेट खींच दो, वेंकी भाई की मसल देखो ऐसे अलग अलग है, न्यू हेयर स्टाइल। पोर्ट्रेट है तो बजट फोन, बट भाई एडजेक्शन देखो पोर्ट्रेट में भी काफी अच्छी आई है लाइट। वीडियो बना के दें, कोई भी शेक नहीं। इसमें एक स्नैपचैट वाला फिल्टर भी है जो कैमरे में मिल जाता है, फन वन आप उठा लो फिल्टर डालो, और OIS और इसमें VDIS और ऐड कर दिया। VDIS मतलब मक्खन वीडियो चलते हैं, छिलता डुलता नहीं है ज्यादा। बेसिकली सीधा सीधा बताऊं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर स्टेबिलाईज करता है वीडियो को, और जो आप देख सकते हो हम अच्छा खासा उछल कूद मचा रहे हैं, बट वीडियो एकदम ही स्टेबल आई है। और इस प्राइस पॉइंट पे इस टाइप की वीडियो नहीं है। 4K में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अगर OIS चाहिए तो 1080p में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, बट भाई 4K में अच्छी खासी डिटेल आ रही है। मेन कैमरा मेरे को अच्छा लगा, अल्ट्रा वाइड और मैक्रो दोनों एवरेज में बोलूंगा। बट भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इस वाले स्मार्टफोन के अंदर सैमसंग ने अपना प्रोसेसर दिल से लगा रखा है, एक्सोनोस 1280। नॉर्मल हमने यूज करा, यूट्यूब चलाया, इधर उधर ऐसे छांटा वाटा इधर उधर सारी ऊपर नीचे करा, एकदम ही स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं। एक्सोनोस 1280 जो है ये स्नैपड्रैगन आता है ना 695, उससे थोड़ा सा बेटर है, 17-18 हजार के अराउंड एक डिसेंट प्रोसेसर माना जाता है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल नहीं है, बट अच्छा प्रोसेसर बोल सकते हो आप इस वाले प्राइस पॉइंट के हिसाब से। गेम चला ले, थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया हो भाई, HD पे हाई चल रही है, अल्ट्रा HD पे नहीं चल रही, इस सेटिंग पे भाई चल जाती है थोड़ी बेटर सेटिंग पे। थोड़े जो फोन होते हैं इसमें ऑप्टिमाइजेशन का होगा, बट मेरे ख्याल से इस सेटिंग पे तो यार बढ़िया ही चलेगी, ऐसी कोई बहुत नेक्स्ट लेवल सेटिंग है, पर तब भी खेल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। चल जाती है यार ऐसे ऐसे वाले प्रोसेसर पे ना, थोड़ा हायर सेटिंग पे भी चल जाती है, ऑप्टिमाइजेशन की जारी है भाई। मेरा टक रहा है, इसका टक रहा है, मैं तो आतंक मचा दिया भाई। अभी गेम जिस सेटिंग पे चल रहा है उस पर बढ़िया चलेगी ये, मेरे ख्याल से थोड़ी और हायर सेटिंग पे चल सकती थी गेम, क्योंकि मैंने ऐसे नॉर्मल एवरीडे यूज करके देखा तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। बट मेरे हिसाब से ये वाला फोन ना काफी 360 फोन बनाने की कोशिश करेगी, एकदम परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं खींचा गया। परफॉर्मेंस में सैमसंग ने ऐसा प्रोसेसर दे दिया जो सेफ है। ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस बताऊं तो 80% फोन से ऑन पेपर बेटर परफॉर्मेंस है, बट गेम की सेटिंग थोड़ी कम है, बट ओवरऑल अच्छा प्रोसेसर है भाई इस वाले प्राइस पॉइंट पे। इस फोन के 6+128GB वाले मॉडल का प्राइस है 20,000 रुपए से 1,999, और इफेक्टिव प्राइस आपका थोड़े ऑफर लगा के बढ़ेगा 16,999, 2,000 रुपए कैशबैक, 1,000 रुपए वाउचर, और 8+128GB वाले वेरिएंट का प्राइस है आपका 21,999 रुपए, और इफेक्टिव प्राइस आपको ऑफर लगा के बढ़ेगा 18,999, 2,000 रुपए का अपना कैशबैक मिल जाता है, 1,000 रुपए वाउचर। इसमें सारे मैं ऑफर बताता हूँ, सारी एक चीज अगर मिल जाता है, अगर 7 से 14 जुलाई में आप प्री बुक कर रहे हो तो आपको एक ट्रैवल एडाप्टर फ्री मिलता है। और मेरे को अगर मैं पूरा फोन को कंपाइल करके बताऊँ, ये वाला मेरे को काफी
ही नया सा रिफ्रेश लगा, क्योंकि जो डिजाइन है, स्क्रीन, कैमरा, सारी चीजें और जो मिश्रण बना के एक पैकेज आ रहा है, ये वाला डेफिनेटली भाई एक किलर पैकेज है, और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है वो भी आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। और भाई एक चीज और आप लोगों को पसंद आए, वो है हमारा प्यार। अगर आए तो भाई नेक्स्ट वाली भी देखना, मजा आएगा।